हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी घड़ी में 10:30 बजे हैं और आज मैंने ये ऑरेंज कॉलर वाली कुर्ती पहनी है। बहुत दिनों से सोच रही थी पर पहन नहीं पा रही थी, तो आज मैंने कहा कि चलो पहन लेते हैं विथ ब्लैक कलर की सलवार। और मैं जा रही थी, साचा देख के तो अभी जान गए होंगे कि इडली बनी है घर में, तो इडली बन चुकी है, सुबह से ही बन रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो अब निकाल लेते हैं और खा लेते हैं। थोड़ी सी साफ़ सफाई हो गई है, थोड़ी सी बची है तो वो मैं खाने के बाद कर लूँगी। तो ये देखो मैं इडली निकाल रही हूँ, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी इडली बनी है। और जब तक मैं इसको खाऊँगी ना, तब तक मैं आप लोगों को इसका लिंक दे दूँ, लिंक कह रही हूँ, इस आगे मैं क्लिप जोड़ दूँगी जो मैंने इसको रिकॉर्ड किया है जब ये बना रही थी मम्मी जी, तब मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखो चटनी, तो ये देखिए गर्मा गर्म इडली और चटनी रेडी है। और जब तक मैं इसको खा रही हूँ तब तक आप लोग इसकी रेसिपी आगे देख लो जो मैंने रिकॉर्ड करके पहले से रखी है। तो चलिए ठीक है, मैं खा के मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये उड़द की दाल और चावल देख के तो आप समझ गए होंगे कि मैंने इससे पहले जो व्लॉग गया है उसमें पहले लास्ट में दिखाया था कि कल हमारे क्या बनने वाला है, आप गैस करो। तो मेरी जो अरुजी हैं एक व्यूवर, उन्होंने गैस किया था कि डोसा बनने वाला है, तो डेढ़ डोसा नहीं बनने वाला था, वो इडली बनने वाला। तो इसको हम लोगों ने रात भर पानी में भिगो रखा था, उसके बाद इसका सुबह छिलका निकाला है, धुला है, पीसा है। पीसने के बाद कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे कि मम्मी जी अभी इसको फेंट रही हैं, और एक ही तरफ से फेंटना चाहिए जिस तरह से फेंट रही हैं। हाँ, दूसरी साइड से नहीं फेंटना चाहिए, अगर एक एक वे में फेंट रहे तो एक ही वे में फेंटते जाओ आप। पानी डाल डालकर थोड़ा पतला कर रही हैं क्योंकि मैंने जब इसको पीसा था ना तो मैंने कम पानी यूज़ किया था, और पानी डाल डाल के अगर पीसोगे तो इस तरीके से पानी अलग से नहीं डालना पड़ेगा आपको। इसके बाद मम्मी जी ने इसमें नमक डाला है, और ये इडली के लिए बन रहा है। हाँ, तो इसमें मम्मी जी ने नमक डाला है, और ये अच्छे से फूल जाए इसके लिए मम्मी जी ने इसमें सोडा डाला है। एक पते की बात बताऊं जो शायद आपको किसी ने नहीं बताया होगा, ये देखिए सोडा मम्मी जी डाल रही हैं, जो बेकिंग सोडा होता है वो, और ये क्वांटिटी में ज़्यादा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा सा डाल रही हैं। एक बात बताऊं आप लोग ना, जो बासी चावल होता है जैसे रात का बचा वाला चावल होता है, वैसे मैं बस बता रही हूँ, या अगर आपकी मर्जी है डालो, नहीं मर्जी तो मत डालना। तो बासी चावल को पीस के, जो बना वाला चावल होता है उसको पीस के ना इसी पेस्ट में मिला दीजिए, उसके बाद देखिए एक ही दिन में इतनी अच्छी खमीर उठेगी और इतना अच्छा इडली बनेगा ना कि क्या बताऊं। तो ये देखिए मम्मी जी ने दोनों को अच्छे से फेंट लिया पानी डाल डाल के, सोडा मिलाने के बाद भी फिर से फेंटा है मम्मी जी ने इसको, और ये देखिए उसी दिन रात के टाइम पे ये फूल गया था। यार देखो कितने अच्छे से फूल गया, खमीर उठ गया, और जब इस तरीके से खमीर उठता है देखिए प्लेट पे भी लग गया, और इसके नीचे भी एक थाली लगा के रखना चाहिए क्योंकि क्या होता है ना, ये गिरता है, खमीर उठेगा ना तो जमीन पे गिरेगा, इससे अच्छा क्या आप प्लेट लगा के रखे रहोगे पहले से, तो ये कहीं जाएगा नहीं, इसी में रहेगा। तो ये देखिए दोनों बहुत अच्छे से फूल चुके थे, और जितना अच्छा खमीर उठेगा ना उतनी अच्छी आपकी इडली, उतनी स्पंजी, उतनी सॉफ्ट बनेगी, उतनी फूली फूली बनेगी। तो अब देखिए मम्मी जी क्या कर रही है, इडली का जो स्टैंड है जिसको साचा कहते हैं उस पर मम्मी जी ने तेल लगा लिया था, ग्रीसिंग कर लिया था पहले से, और उसके बाद इसी को एक चम्मच की मदद से और हल्के हल्के से भर रही है, क्योंकि अभी ये फूलेंगे तो वैसे भी जगह बना लेंगे, तो इतना भरिए कि थोड़ा जगह बचा रहे क्योंकि फूलेंगे ना ये, इसलिए। वैसे मुझे पता है यार बहुत सारे लोग इडली बनाते ही रहते हैं, पर हाँ यार कुछ लोग नए आते हैं ना तो उनको अच्छे से बताओ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए सारे को मम्मी जी ने, तीन प्लेट थी, तीनों को अच्छे से भर के इसमें रख दिया, उसके बाद ढक देना है। 20 साल होगा इडली के सांचे को, पुराना के वजह से गंदा गंदा सा दिख रहा है। कितनी देर पकेगा मम्मी जी? आप लोगों ने 15 मिनट इसको पकाना है, और उसके बाद चाकू डाल के देखना, अगर चाकू में चिपक रहा है तो ये ठीक से नहीं पका, थोड़ा सा और पका लीजिएगा, और अगर नहीं चिपक रहा है तो समझिए आपका इडली बिल्कुल रेडी है। बट हाँ, इसको जब ठंडा हो जाए ना तभी निकालना चाहिए, अगर आप गरम गरम में सोचेंगे निकाल लें तो वो फिर चिथड़े चिथड़े हो जाएंगे उसके, फटाफटा सा निकलेगा। तो इसको सारे जितने प्लेट थे मम्मी जी ने निकाल के हटा दिया, ठंडा होने दिया, और देखिए पानी अभी भी इसमें थोड़ा सा बचा हुआ। तो जब तक पक रही है इडली तब तक हम लोग बना लेते हैं मूंगफली की चटनी। तो ये देखिए मैंने मूंगफली को इसमें रोस्ट कर रही हूँ, कढ़ाई है और उसमें मैं मूंगफली को रोस्ट कर रही हूँ, रोस्ट करने से इसके छिलके निकल जाएंगे अच्छे से, और आप चाहो तो इसी में थोड़ा सा नारियल भी डाल सकते हो, मतलब रोस्ट नहीं करना है, पीसना है साथ में इसके, तो नारियल मूंगफली की चटनी बहुत अच्छी लगती है। इसमें मैं लहसुन और जो लाल खड़ी मिर्च होती है और नमक ये डाल दूंगी, और इसको पतला सा मतलब पेस्ट जैसा बना लूंगी, उसके बाद जो कड़ी पत्ता होता है उससे छौंक दूंगी, तो बन जाएगी इडली और चटनी दोनों चीज।
अनीति का फेवरेट पार्ले जी। तो अभी घड़ी में 3 बजने वाले हैं, घड़ी में 3 बजने वाले हैं। किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है क्योंकि हम लोग इडली खाने के बाद सब लोग बातचीत करते करते सो गए थे यार। तो ये इधर मेरे पीछे बैठे आलू काट रहे हैं और ज़मीन में बैठी थी मैं, मीठी को खिलाने लगी तो ऐसे बैठ गई। और तो मैं बनाने जाती खिचड़ी क्योंकि इडली खाने के बाद किसी का मन नहीं है। देखो नेल पॉलिश वगैरह लगाने लगी थी, आज संडे ना फ्री थी तो यही सब कर रही थी मैं। तो खिचड़ी खाने का मन हो गया सबका कि चलो कुछ हल्का नाश्ता खाते हैं। पीछे मत देखो भाई, मीठी बहुत फैलाती रहती है, दिन भर फैलाती रहती है। तो बस वही काजल नहीं फैला मेरा, मेरा काजल नहीं फैलता, मैं 10 वाला ही काजल लगाती हूँ और वो कभी नहीं फैलता है, इतने अच्छे से लगा हुआ है। अभी भी सो के उठी हूँ तो अभी मैं बर्तन धुलूंगी, जब तक ये अपने जो खिचड़ी की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बोला तो वो ये बोले कि चलो मैं बना देता हूँ खिचड़ी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा अच्छी बात है, इससे अच्छा क्या होगा कि बना बनाया मिल जाए। तो बस ये जा रहे हैं अपनी खिचड़ी उचड़ी बनाने, तब तक मैं जा रही हूँ जो बर्तन है, जो सुबह के नाश्ता के बर्तन है वो धुल लूंगी, उसके बाद फिर थोड़ी सी इनकी क्लिप दिखा दूंगी जो ये बनाने वाले खिचड़ी। तो हस्बैंड जी की खिचड़ी बनना शुरू हो गई है और इसमें सबसे पहले उन्होंने डाला है तेल, फिर जीरा, जीरा क्रैक हो गया है, उन्होंने लहसुन और अदरक को घिस रखा था कद्दूकस में, उसको डाल दिया। उसके बाद इन्होंने प्याज और हरी मिर्च को डाल दिया, ब्राउन होने देना है। अरे यार किस्मत तो बहुत अच्छी है कि कभी सासू माँ बना के खिला देती हैं तो कभी हस्बैंड जी बना के खिला देते हैं। तो मैं इनसे कह रही थी कि चलो इडली चैलेंज करते हैं, करोगे क्या इडली चैलेंज? तो इनको कुछ नहीं करना है, इनको कैमरे के सामने आना ही नहीं है फिलहाल, इनका कहना कि मुझे कैमरे के सामने मत लाया करो। तो मैं बोल रही थी कि इडली रखा हुआ है चलो दोनों लोग चैलेंज कर लेते हैं। तो फिर बोले फिर क्या करोगे, हमका जो हारेगा उसको कुछ मतलब करना होगा, पनिशमेंट मिलेगी। तो बोले नहीं नहीं मुझे नहीं करना इडली चैलेंज। तो आलू इन्होंने धो लिया है, अब इसको आलू को इसमें डालेंगे। फिलहाल अभी सब्जी नहीं है ज़्यादा कुछ घर में, तो आलू टमाटर नॉर्मली यही सब है, तो खिचड़ी में यही सब जाने वाला है और बड़ी सिंपल सी खिचड़ी बन के रेडी होगी। और ये पता नहीं क्या क्या डालने वाले, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, कुछ भी डाल देते हैं, इनका जो मन आ जाता है, जो मसाले इनका मन आ जाता है वो मसाले डाल देते हैं। तो चलिए ठीक है, थोड़ी देर से मिलती हूँ आपसे, जा रही हूँ मैं वो बर्तन धुलने, जो बर्तन दिख रहे ना पहले उनको हटाऊँ यहाँ से साफ करके, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। भले ही ये साहब जी खिचड़ी बना रहे हैं पर इनका कहना है कि चावल धो के तुम दोगी, तो मैंने कहा कि यार मैं जब आप आलू धो रहे हो तो चावल भी धो लो, तो कह रहे नहीं बर्तन धोने से पहले चावल धो के दो मुझे। तो बस मैं इनको चावल धो के दे रही हूँ। और यार बाल पीछे तो बहुत छोटे लग रहे हैं क्योंकि मैंने ना आगे कर लिए थोड़े से बाल, इसलिए कुछ ज्यादा ही छोटे लग रहे हैं। और आज ऑरेंज कुर्ती जो मैं पहनी हूँ ना, इसकी स्लीव्स में सोच रही थी छोटी कर लूँ, फिर मैंने ऐसे ही पहन लिया, कॉलर भी नहीं हटाया मैंने, मैं सोची थी कि कॉलर हटाऊंगी पर ठीक है जैसा भी है। और उसके बाद देखिए इनका जो खिचड़ी है उसमें क्या हो रहा है, इन्होंने इसमें डाला है थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और उसके बाद इसमें डालेंगे ये थोड़ी सी पिसी मिर्च। तो ये देखिए सब कुछ पड़ गया है और इन्होंने आलू धोकर डाल दिया था और कढ़ी पत्ता डाला था इन्होंने बाद में, भूल गए थे ये, और रोज रोज तो बनाते नहीं इसलिए भूल जाते हैं। तो ये देखिए इतना सारा सब कुछ पड़ गया है, उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है कुछ इस तरीके से, और उसके बाद जो मैंने चावल धोके इनको दिया था वो डाल देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। यार इसको ना हमारे इलाहाबाद साइड तहरी बोलते हैं, तो जो यूपी साइड वाले हैं वो जानते होंगे कि तहरी है ये। इसमें सोयाबीन की बड़ी भी डाल रहे हैं और साथ ही साथ इसमें नींबू भी निचोड़ रहे हैं। नींबू से क्या होता है जो चावल होते हैं वो खिले खिले मतलब खिल के आते हैं, पर इनका चावल खिल के आने वाला नहीं क्योंकि ये बहुत सारा पानी डालने वाले हैं, उसके बाद फिर वो खिचड़ी ही बननी, पुलाव नहीं बनना उसको। तो ये देखिए सोयाबीन की बड़ी अच्छा दिख रहा है वैसे, कलर धनिया रखा लास्ट में डाल देना। तो जो खिचड़ी है वो बन गई है और जैसे इनको पसंद थी बस वैसे ही बनाए ये अपने पसंद की गीली गीली खिचड़ी। तो ये थाली मेरी निकली, क्या गीली नहीं हुई है? हाँ इतना गीला हो गया, मुझे पुलाव जैसे पसंद है। तो ये देखिए ये है आम का अचार और खिचड़ी। तो बस यही है साधारण सा खाना हम लोगों का जो लंच है, मम्मी जी बैठ के खा रही हैं और इधर ये बैठे हैं, मैं जा रही हूँ खाना खाने। फ्रेंड्स सारा काम धाम हो गया है, किचन की साफ सफाई हो गई है, बर्तन तो सब धुल के सब अपने जगह पे लग गए हैं, वो देखो इडली स्टैंड धो दिया मैंने, उसका काम खत्म। और अभी 4:15 हो रहे हैं घड़ी में, मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग का एंड कर देती हूँ यार, क्योंकि ना ब्लॉग बहुत लंबा जाता है, फिर उसकी एडिटिंग और अपलोडिंग में बहुत टाइम लगता है। बर्तन धोने के बाद मैंने फेस वॉश कर लिया और ये भी है कि शाम जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इस कमरे में जो है ये किचन, जहाँ पे यहाँ पे रोशनी कम होती जाएगी और लाइट की उतनी व्यवस्था है नहीं, आपको तो पता ही है। तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं आपको किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर से। तो यही था हमारा संडे जो चला गया बिल्कुल
और संडे को ये है ना कि जो मध्य प्रदेश में ये रूल है, पता नहीं है तो जहाँ मैं रहती हूँ मध्य प्रदेश में, यहाँ पे ये रूल है कि संडे को पूरा बंद रहेगा मार्केट, सब कुछ बंद रहेगा, टोटली लॉकडाउन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे लॉकडाउन है और संडे को कहीं घूमने भी नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए मैं अब ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।